हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज ए नेक्स्ट डे। तो गाइस फिलहाल आ गए हैं पोरा सामने मंदिर का गेट, सभी लोग उतर रहे हैं अभी। तो इस साइड दुकान वगैरह लगी हुई हैं। तो गाइस काफ़ी देर से सफ़र करने के बाद अब हम लोग पानी पी रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है, बिना पानी पी रही है हमारे गोविंद यादव जी। तो गाइस अभी ट्री वाले ने गोली दे दी है और यहाँ तक उतार दिया उसने। अब यहाँ से आगे तक 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो अभी ट्रैक्टर पे बैठते हैं हम लोग। तो गाइस भैया, इन भैया ने हमको बैठा लिया है अपने ट्रैक्टर पे और ये लोग बैठे इधर। चलो अभी अपनी टीम से पूछते हैं यहाँ पे कैसा लग रहा है इन लोगों को। सबसे पहले अपने गोविंद भाई से पूछते हैं। गोविंद भाई, ट्रैक्टर पे बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया यार भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बस मंदिर पहुंच चुके हैं हम लोग। तो दादा ने वहां तक उतार दिया। तो अभी यहां पे टैक्सी मिली है। तो गाइस देखिए, फिर हमको टेरी मिल चुकी है, फिर देखिए टेरी मिल चुकी है। तो आप ही लोग बताइए, बहुत यार थक गए हैं कसम से। कसम से बाबा से मिलके बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो गाइस ये यहाँ पे आ गए, मतलब कितनी परीक्षा ली बाबा रे आते मंदिर आते आते। गाइस शब्द कम पड़ रहे हैं। तो कितने टैक्सी और कितने ट्रैक्टर वगैरह क्या क्या नहीं बदला हम लोगों ने। इतना तो उज्जैन जाने में लगेगा जितना टाइम यहाँ पे लगा। तो गाइस ये दादा है, दादा क्या नाम है आपका? विराखन दादा उनका नाम है। तो गाइस फिलहाल मंदिर आ गया है, पर यहाँ से करीब थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप देख सकते हैं आगे कितनी भीड़ लगी है, सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं मेला लगा हुआ है काफ़ी भारी। और ये हमारी रही टीम, जवा भर उबालेंगे फिर बाद में जितने। तो गाइस वो देख सकते हैं सामने बाबा जी शंकर जी। तो अभी अंदर चलेंगे, पहले प्रसाद ले लेते हैं यहाँ पर, ले रहे हैं। मैंने लेना प्रसाद। तो अभी चलते हैं अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं। गाइस काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस भीड़ देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस भीड़ देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। भीड़ कितनी है यहाँ पर? जय बोले, जय बोले। तो गाइस ये हमारी पूरी टीम रही और ये देखिए भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हैं। ये ऊपर का सीन है। तो अभी हम लोग प्यास लग रही है, तो सबसे पहले पानी पीने चलते हैं। बहुत ही अच्छा है मंदिर, मज़ा आ गया। अब आपको आगे दिखाते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है। जय हो बजरंग बली, जय हो भाई। जय भोले नाथ, जय नानी महाराज, जय बालाजी महाराज। तो अभी हमारे जितने भी मेंबर हैं टीम के, वो सारे प्रसाद चढ़ा रहे हैं यहाँ पर।
पूजन करते हुए। तो अभी चलिए इसके अंदर चलते हैं। अब पहले निकलने दीजिए। निखिल यहाँ पर है भोलेनाथ बाबा। बोले अंकित बाहर आओ, बाहर चलो अंकित। तो यहाँ के ये बाबा जी हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? घनश्याम दास है। तो यहाँ का आप सारा पूरा ये सवाल है आपकी? नहीं, मुझे हम आता और रात बोलते हैं। तो ये बाबा जी दर्शन करने आए यहाँ पर। तो यहाँ पर भीड़ देखिए कितनी है। तो आप बाहर चलते हैं और बाहर का भी दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और ये रही सामने मूर्ति। तो गाइस ये है गुफा यहाँ की। वीडियो शूट करो गाइस, हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं। भरते रहो। तो गाइस ये रही यहाँ की गुफा। तो गाइस काफी अच्छी है। तो चलते हैं बाहर। अब हम लोगों की गुफा खत्म हो गई और बाबा ने दर्शन दे दिए। इतना अच्छा लगा गुफा में। तो गाइस ये थी यहाँ की गुफा, खत्म हुई। पूरे मंदिर के सोखतरा सामने थे। तो गुफा काफी अच्छी लगी। अब यहाँ का आपका बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। मेरे फोन से फोटो खींचो जरा साथ। तो ये देख सकते हैं आप, ये है मूर्ति यहाँ की। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस दर्शन तो कर लिए हैं, अब आगे चलते हैं। तो गाइस ये रहा शनिदेव का मंदिर और यहाँ के ये पंडित जी। तो गाइस ये रहे यहाँ के शनिदेव महाराज, देख सकते हैं आप। और ये हमारे सभी मेंबर्स यहाँ के। तो आपको मिलाते हैं यहाँ के पंडित जी से। ये हैं पंडित जी। पंडित जी क्या नाम है आपका? तो यहाँ का आप ही संभालते हैं सारा कुछ। और ये मंदिर, तो इनके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पर। सन की जानकारी तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन औरंगजेब के मंगल शासक के समय में उसका आक्रमण किया गया। तो आरा चलवा करके जो चिन्ह चलवाया है मूर्ति निकालने के लिए, वो चिन्ह आज भी अंकित है। आज भी अंकित है मूर्ति, राधे से राधे राधे, आज भी अंकित है। लेकिन निकाल नहीं सका। प्रथम पाली में पहला निर्मित रहा, द्वितीय पाली में दूध की धार निकली, पूरी राधी दूध की धार, तीसरी पाली में रक्त निकला, और चौथी पाली में जब कितना यानी दया नहीं आई इसके अंदर, चौथी बार में जब बाबा ने अपना प्रकोप किया, बाबा ने चमत्कार दिखाया, तब तो अपने अपने गंज को निकले बिच्छू बदल गया भयानक सब। अच्छा, तब वो औरंगजेब शासक जी का हतोत्साह होकर के उसने पलायन किया यहाँ से। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा आगे क्या हुआ। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।